सोनिया मजीद हमारे साथ मौजूद है। कनेक्शन की बहाली के बाद अब हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात का आपने ये कौमी तराना गाया है, ये आपने किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत गाया है, उनकी गवर्नमेंट के साथ था कोई कोलैबोरेशन, या अपने तई गाया है आपने? एक्चुअली सर कोलैबोरेशन, और मैं पिछले 20 साल से यूएई में मुकीम हूँ अपनी फैमिली के साथ, और मैंने यहीं से तालीम हासिल की। और जैसे कहते हैं कि आप जहाँ रहते हैं आपको उन लोगों से, उस कल्चर से मोहब्बत हो जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है यूएई से। और मैं हमेशा से चाहती थी कि हम सब एशियंस की तरफ से जो यूएई में इस टाइम मुकीम है, और मुझे लगता है हम सब अपने वतन की तरफ से एम्बेसडर्स हैं, आप अपनी हम सब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी वे में। तो एज अ सिंगर मेरी बहुत चाहत थी कि मैं कुछ करूँ इस कंट्री के लिए, तो हमने डिसाइड किया कोलैबोरेशन की। इंडियन म्यूजिक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है गुरु शर्मा, उनके साथ मिलकर ये कोलैबोरेशन हुई। हमने डिसाइड किया कि हम जो यूएई का नेशनल एंथम है उसको गाएंगे। जबरदस्त। अच्छा ये मुझे बताइए सोनिया कि इसका अगर थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए मतलब भी आप समझा दें लोगों को तो और अच्छा हो जाएगा। नेशनल एंथम जो है यूएई का, इसमें यही है कि इसका प्रेज, ये दुआ है। अच्छा। अपने मुल्क के लिए, जैसे हर नेशनल एंथम की एक दुआ होती है, तो दुआ शुरू ही ये दुआ है मुल्क के लिए कि मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े, और इस तरह मतलब प्रेज। और ये जो आपको अवार्ड पर अवार्ड से नवाजा गया है वो इसी हवाले से नवाजा गया है, इसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक सेरेमनी हुई थी जिसमें हिज हाइनेस रॉयल फैमिली की तरफ से मुझे ये अवार्ड से नवाजा गया, और जिसकी मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ दुबई रूलर्स की और यूएई गवर्नमेंट की। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा आप वहाँ पर 20 साल से हैं तो आपका कनेक्शन यूएई से तो जुड़ गया है, मगर पाकिस्तान से तो कनेक्शन कम नहीं हुआ आपका? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरे तो दिल में है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और जहाँ जाती हूँ सबसे पहले ये तो पूछा नहीं जाता आपका नाम क्या, अच्छा आप कहाँ से हैं, तो फिर पाकिस्तानी हूँ तो फिर ज़्यादा अच्छा करने को दिल चाहता है, छोटे छोटे खूबसूरत अच्छे अच्छे काम करने को दिल चाहता है, ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, क्योंकि यूएई एक ऐसा लैंड है जहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग एक ही रूप से रह रहे हैं। Exactly. एक अच्छा काम आप अभी हमारे प्रोग्राम में भी करेंगी और वो अच्छा काम ये होगा कि आप पहले तो बताएं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है और उनका कोई गाना सुनाएं, फिर अच्छा सा काम ये हो जाएगा। बिल्कुल। ओह थैंक यू सो मच। मैडम नूर जहान मेरी फेवरेट है, मैं उनको हमेशा सुनती हूँ। मुस्तफ खान साहब मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको भी बहुत सुनती हूँ। बस पहले मैडम, पहले बिल्कुल मैडम हो जाए, लेडीज फर्स्ट। ये मैं हूँ दीवाना, मैं ढोलना सोने की सवित्री, और ये मैं हूँ दीवाना, मैं ढोलना सोने की सवित्री, गली गलन लगते तेरे सावन दे मेरे मेरे अगला दीवाना। क्या बात, बड़ा मजा आ रहा है सुन के, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है, क्योंकि हम डिस्टेंट कम्युनिकेशन, आज का प्रोग्राम नाजरीन कम्युनिकेशन की बुनियाद पर चलेगा आगे, क्योंकि वो वहां पर बैठी हैं यूएई में, हम पाकिस्तान में हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से उनके जो सुर हैं वो कहीं सही तरीके से बिल्कुल कहीं कट जाती है, लेकिन ये है कि आपकी आवाज का जादू जरूर आपने जगा दिया। मतलब ये नहीं है कि ये काम बंद कर दिया जाएगा, नुसरत फतेह अली का भी एक गाना सुनेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे फजल अली खान साहब का जी जी थैंक यू। मैंने तो चालिया, मैंने तो चालिया दे गया तो वादा, एक महीना ले रह गया, एक महीना ले रह गया, नाल दुकान दे करा के मुलाकाता, दुख महीना मैं तो चालिया दे गया। थैंक
क्या बात है, क्या बात है। अब सोनिया आपके साथ एक सिटिंग होनी चाहिए फेस टू फेस इन पर्सन। जब यहाँ आए आप यूएई से पाकिस्तान आए तो आपने हमारे प्रोग्राम पे आके हमें यहाँ पर गाने सुनाने हैं, फरमाइशें हम नाजरीन की भी ले लेंगे। ये बताइए फाइनली कि अब आप और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, किस किस कोई फिल्म आ रही है, मेन डेब्यूज आपके कब हम देखने सुनने को मिलेंगे हमें? जी इंशाल्लाह हमें तीन सिंगल रिलीज हो रहे हैं। पहला है सूफी कलाम होगा ट्रांस, फिर सेकंड होगा हिप हॉप, थर्ड होगा जैज एंड हिप हॉप ट्रांस, और फिर वेरिएशन है बड़ी। जी और उसके बाद मेरी बॉलीवुड मूवी जो है वो रिलीज हो रही है इंशाल्लाह, वो मेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी है जिसका फर्स्ट सिंगल रिलीज होगा, जिसका नाम है सलाम मदरसा, और ये यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है। ये बहुत खूबसूरत कोर्स से बनाया गया है और इसमें मदरसा के हवाले में बताया जाएगा और बहुत खूबसूरत पैगाम दिया जाएगा पूरी दुनिया में। और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और मज़ीद आप इसी तरह कामयाबियाँ समेटें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि आपने जो बात शुरू में की थी, हम में से हर शख्स पाकिस्तान का सफ़ीर है, अपने अपने ममालिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जिस तरह से अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर किसी किस्म की आँच ना आए उसके इमेज पर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सोनिया, आपने वक्त निकाला।